ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल एवरीवन? ओके, सो लास्ट टाइम जब हम केमिस्ट्री के क्लास में थे तो हम मेटल और नॉन मेटल, हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था. सो इन मेटल एंड नॉन मेटल्स हमने अब तक क्या देखा? वी विल डू अ क्विक रिवीजन, एंड आफ्टर दैट उस जहां से हमने लास्ट लेक्चर पे जहां पे हम रुके थे वहां से स्टार्ट करेंगे. तो मेटल एंड नॉन मेटल में सबसे पहले तो हमने मेटल एंड नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं. एंड आफ्टर लर्निंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, वी कंक्लूडेड कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अकेला ही काफी नहीं है क्लासिफाई करने के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को. एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर करना सही नहीं होगा. वी शुड ऑल्सो कंसिडर केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखे. केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो कॉमन रिएजेंट से या फिर कॉमन कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करेगा. कॉमन कंपाउंड मतलब क्या? जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन या फिर एसिड एंड बेस, इन सभी से हमारा सैंपल कैसे रिएक्ट कर रहा है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी. तो हमने मेटल के केसेस में मेटल एंड नॉन मेटल हमने उन दोनों का ही रिएक्शन देखा था, ऑक्सीजन के साथ मीनिंग एयर के साथ. फिर हमने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वॉटर. ये सभी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी. ओके, फिर एक प्रोसेस था एनोडाइजिंग, जो कि सिर्फ एल्यूमिनियम एलिमेंट के लिए किया जाता है. एल्यूमिनियम मेटल के लिए एनोडाइजिंग का प्रोसेस भी हमने डिस्कस किया था. उसमें एल्यूमिनियम के वेसल में या फिर एल्यूमिनियम के सैंपल में एक थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का चढ़ाया जाता है. ये कैसे होता है? ये थिक लेयर जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. एम आई नॉट ऑडिबल एवरीवन? ओके ओके. सो हाँ, हम लोग एनोडाइजिंग में थे. एनोडाइजिंग जो है वो हम इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करेंगे? जो हमारा एसिड का सॉल्यूशन होगा उसमें हम वेसल को डिप करेंगे एंड वी विल पास इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट हम जब पास करेंगे तो जो हमारा एल्यूमिनियम का वेसल होगा वो एक एनोड के जैसा एक्ट करेगा. इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग. ओके, मेटल्स का रिएक्शन विद एसिड ये हमने कवर किया था. इसके बाद एंड फाइनली आई थिंक हम यहाँ पे रुके थे एक्वारीजिया में. एक्वारीजिया क्या होता है? एक्वारीजिया एक ऐसा रिएजेंट होता है जो कि गोल्ड और प्लेटेनियम जैसे मेटल्स को भी डिसॉल्व करने का कैपेबिलिटी रखता है. एक्वारीजिया किस कैसे बनाया जाता है? तो इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड. उसको बहुत उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है. अगर उसको हमने प्रिपेयर करके रख दिया और उसको बाद में हम यूज करेंगे तो इट विल नॉट बी एज इफेक्टिव. तो इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम लेते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1. एक्वारीजिया एक ऐसा रिएजेंट है जो कि गोल्ड और प्लेटेनियम जैसे नॉन रिएक्टिव मेटल को भी डिजोल्व कर सकता है. तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. इसके आगे हम देखने वाले हैं कि मेटल और नॉन मेटल ये दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे और उसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा. तो मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन हम देखेंगे. एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है सोडियम और क्लोरीन का, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. ये रहा तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. वेरस क्लोरीन के केस में उसका एटॉमिक नंबर 17 है, लास्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. तो क्या होता है, सोडियम का ये 1 इलेक्ट्रॉन
क्लोरीन को चला जाता है ताकि इन दोनों का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कम्प्लीटली फुल हो जाए। यही कारण के वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो ट्रांसफर हो जाएगा क्लोरीन के पास। तो इससे सोडियम के जो दो शेल होंगे, ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला, थर्ड वाला तो वैनिश हो जाएगा, तो ये जो दो शेल होंगे वो कम्प्लीटली फुल हो जाएंगे और सोडियम स्टेबल हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो अपना थर्ड रिंग को कम्प्लीटली फुल कर देगा, मीनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इधर अक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ऐसे ये दोनों स्टेबिलिटी अटेन करेंगे बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये देखा था कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो आप लोगों को याद है क्या कहा जाता है वैसे बॉन्ड को, ऐसा बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है? यस श्रुति, आयोनिक बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, जो बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, कंप्लीट ट्रांसफर से फॉर्म होता है। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में और आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आयोनिक कंपाउंड क्या है? तो आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आयोनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट है इसका मतलब वो कंपाउंड आयोनिक है। तो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, आयोनिक कंपाउंड में ऐसा क्या स्पेशल है, तो उसका फिजिकल नेचर देखा जाए तो आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड्स, और सॉलिड जो होगा वो हार्ड होगा एंड ब्रिटल होगा। प्रेशर अप्लाई करने में जो ब्रिटल सॉलिड है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो क्या होता है आयोनिक कंपाउंड्स में, जो दो हमारा फॉर एग्जांपल सोडियम एंड क्लोरीन है, इन दोनों ने एक ट्रांसफर अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म किया है। ये जो इनके बीच में बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो हार्ड होंगे। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। जब बॉन्ड फॉर्म करके वो दोनों स्टेबिलिटी अटेन कर लिए है तो इनका ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है आयोनिक कंपाउंड्स का। ओके, सॉल्युबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम, सॉरी, आयोनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होंगे बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उसमें इनसॉल्युबल होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया बेंजीन, पेट्रोल, केरोसिन, ये सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में कैसी है? तो सॉलिड स्टेट में तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत रिजिड होता है, उधर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड आयोनिक कंपाउंड में नहीं होगा। हाउएवर, ये जो हमारा आयोनिक कंपाउंड है अपने मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अलोंग विथ मोल्टन स्टेट, अगर हम आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते तो जब आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या होता है, ये जो हमारा सोडियम और क्लोरीन साथ में था ये लोग दोनों अपने आयोनिक फॉर्म में आ जाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस आयोनिक फॉर्म में आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो सिंपल हो जाएगा। तो जब वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे आयोनिक कंपाउंड को तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और अपने मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, पर सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। तो ये जो चार पॉइंट थे ये आयोनिक कंपाउंड के फीचर्स थे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका सॉलिड नेचर, उनका सॉल्युबिलिटी इन वाटर और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पे सभी रिएक्शन जो हमने अब तक देखे उसकी समरी दी हुई है। तो सबसे पहला मेटल विथ ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन हमें मेटल ऑक्साइड देता है, ये हमने एक रिएक्शन देखा था। फिर नॉन मेटल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये तो हमें पता है कार्बन अलोंग विथ ऑक्सीजन हमें नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये देता है। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर या फिर मेटल प्लस वाटर, कोई कोई मेटल वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, जैसे हमने देखा था इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, वो लोग मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, वो इवेंचुअली हाइड्रो
ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस वाटर हमें एसिड देता है, जैसे कार्बोनिक एसिड एग्जाम्पल है। और फाइनली अभी जो हमने एक रिएक्शन पढ़ा मेटल का नॉन मेटल के साथ, सोडियम का क्लोरीन के साथ या फिर मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ, इधर कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नॉन मेटल और मेटल का, तो हमें आयोनिक कंपाउंड मिलेगा जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। तो यहां तक सभी को क्लियर है? एवरीवन ओके। ओके नेक्स्ट जो है, इस नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है ये स्टेटमेंट, हमें ये देखना है क्या होता है। सपोज हमारे पास एक मेटल है जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, जैसे MgCl हो गया या फिर कोई भी मेटल हो गया, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन बी। ठीक है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल बी का। अब एक स्ट्रॉन्ग मेटल आएगा, हम स्ट्रॉन्ग मेटल को इंट्रोड्यूस कराएंगे इस सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रॉन्गर मेटल है वो बी को सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा और खुद उस अनायन जो है उसके साथ सॉल्ट बन जाएगा। तो जब एक स्ट्रॉन्गर मेटल आता है तो सॉल्ट सॉल्यूशन से वीक मेटल जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, वीक मेटल को वो बाहर निकाल देगा और खुद सॉल्ट बना देगा। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मेटल ए इज स्ट्रॉन्गर मेटल ओवर हियर, वो अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहा है और मेटल बी को बाहर निकाल रहा है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हेल्प से एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है जो कि हम देखने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक बीकर में लेंगे और उसमें आयरन नेल्स को डालेंगे, आयरन नेल्स जो होंगे वो सिल्वर कलर के होंगे। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट और सिल्वर कलर का आयरन नेल, जैसे ही आयरन इंट्रोड्यूस होगा इस सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉपर जो है वो वीकर मेटल है और रिएक्टिविटी सीरीज में वो लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू आयरन। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से निकाल करके खुद सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये जो हम देखेंगे थोड़े टाइम में, इसका ब्लू कलर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो गया। अभी आयरन क्या करेगा, आयरन जाकर के सल्फेट के साथ सॉल्ट बनाएगा, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है और कॉपर जो है, कॉपर मेटल वो कहाँ जाएगा, तो वो आयरन के नेल्स जो है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट ऑफ मेटल्स है, उनको अरेंज किया गया है उनके एक्टिविटीज के बेसिस पे। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे टॉप में रहेंगे, जो लीस्ट रिएक्टिव है वो बॉटम में जाएंगे। तो उनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटी के हिसाब से मेटल्स को अरेंज किया है, ऐसी लिस्ट को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज हमें मिली कैसे, तो बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए डिफरेंट डिफरेंट मेटल के साथ और देखा गया कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। तो जो मोस्ट ऑफ द मेटल को रिप्लेस कर देता है वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल होगा या फिर एक्टिव मेटल होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो होगा और वो डिस्प्ले रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे टॉप में हमें मिलेगा। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है वो एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज हमें मिलेगा। सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। टॉप में है पोटेशियम एंड सोडियम, बॉटम में है सिल्वर गोल्ड और बीच में जिंक आयरन लेड ये सब है।
तो ये जो पहले के चार मेटल्स हमें दिख रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन्हें हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। उसके बाद जो मेटल आएंगे वो मॉडरेटली रिएक्टिव है, और फाइनली नीचे के मेटल्स जो है कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, यहाँ पे प्लेटिनियम भी आ जाएगा, ये सभी जो है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इट इज बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, और इससे हमें पता चलता है कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। ओके, तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज अभी हमने देखा, उस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम मेटल को तीन ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ग्रुप हो जाता है ऐसा मेटल का जिनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, प्लेटिनियम, ये सभी मेटल्स जो होंगे इनकी रिएक्टिविटी काफी लो होती है। फिर आता है मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल, इस कैटेगरी में एल्यूमिनियम, आयरन, ये सभी आ जाएंगे, लेड। लास्ट इज मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे मेटल्स आ जाएंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हम मेटल को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो है ऐसा डिविजन, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इस टॉपिक में काम आता है। ओके, सो अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कहाँ अकर करता है नेचुरली? तो मेटल का दो सोर्स है, एक तो सबसे मेजर सोर्स है अर्थ का क्रस्ट। अर्थ का क्रस्ट जो है इट इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑल मेटल। सेकेंड नेचुरल सोर्स है सी वाटर। सी वाटर में मेटल जो है वो एज अ सॉल्ट एग्जिस्ट करता है, सोल्यूबल सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, सल्फेट, क्लोराइड, ये सी वाटर में हमें मिलेंगे। पर मेजर सोर्स जो है वो अर्थ का क्रस्ट है। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इज मिनरल एंड ओर। तो मिनरल क्या होगा? मिनरल एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड का नेचुरली अकरिंग डिपॉजिट है। एक ऐसा जगह जहां पे बहुत सारे एलिमेंट और कंपाउंड, उनका नेचुरली अकरिंग डिपॉजिट मिल रहा है, उसे हम मिनरल्स कहेंगे। अभी क्या होता है, कभी कभी मिनरल्स जो होगा उसमें एक सर्टेन, एक स्पेसिफिक एलिमेंट का हाई अमाउंट होगा, और उस जगह से हम उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मिनरल को हम उस स्पेसिफिक एलिमेंट का ओर कहेंगे। तो ये मिनरल एंड ओर के बीच में डिफरेंस था। ओके, यहां तक सभी को समझ में आ गया? एवरीवन, ओके। अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि हम मिनरल को मिनरल से हम मेटल को निकालते कैसे हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आ जाता है इनरिचमेंट ऑफ ओर का। इनरिचमेंट ऑफ ओर, पहले हमको क्या करना होगा, हमें ओर के डिपॉजिट्स ढूंढने होंगे, वहां से ओर को कॉन्सेंट्रेट करना होगा। कॉन्सेंट्रेट मतलब उसकी अच्छी खासी क्वांटिटी लेनी होगी। अब इस ओर की जो लार्ज क्वांटिटी हमने ली है, इसमें बहुत सारे कंटेमिनेशन प्रेजेंट होते हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, दूसरे इम्प्योर कंपाउंड हो गए, नॉन मेटालिक कंपाउंड्स, ये सब, इन सभी को हम बोलते हैं गैंग। गैंग जो है इसको रिमूव किया जाता है बहुत सारे प्रोसेस से, और उसके बाद जो गैंग फ्री ओर रहेगा हमारे पास, उसको हम इनरिच्ड ओर कहेंगे। ओके श्रुति, हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो फिर उसको रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों डाला? अभी हाइड्रोजन जो है, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बहुत यूनिक एलिमेंट है। अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 1, करेक्ट 1 है। इसका मतलब वो जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डिपॉजिट ट्रांसफर कर सकता है, या फिर वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो हम हाइड्रोजन का एक ड्यूअल बिहेवियर यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर है, जिसमें वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर रहा है, ये एक मेटल लाइक बिहेवियर है। वेरास वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो स्टेबल हो रहा है, ये नॉन मेटल लाइक बिहेवियर है। हाइड्रोजन जो था, इसका पोजिशन पोजिशनिंग जो था वो पीरियोडिक टेबल में, ये करने में भी बहुत प्रॉब्लम आया था।
हाइड्रोजन को यहाँ पे एज अ रेफरेंस डाला गया है. आई होप इट इज क्लियर नाउ श्रुति. ओके, हाइड्रोजन जो है थोड़ा एनोमलस है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है नेचुरली, उसका एटॉमिक नंबर 1 है. तो इट कैन डोनेट दैट इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट लाइक अ मेटल, और कटायन के जैसे भी एक्ट कर सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अनायन के जैसे भी एक्ट कर सकता है. ओके, सो हम लोग इनरिचमेंट ऑफ ओर में थे. तो जो गैंग फ्री ओर हमारे पास रहेगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, उसे हम इनरिच्ड ओर कहेंगे. एक बार हमारे पास इनरिच्ड ओर आ गया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम हमारा डिजायर्ड मेटल जो है इस ओर से निकाल दें. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. अभी क्या होता है, कोई कोई मेटल होता है जो अर्थ के क्रस्ट में फ्री स्टेट में मिलेंगे. फ्री स्टेट क्या होगा, तो वो अपने एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, या फिर अपने अपने एलिमेंट का मॉलिक्यूल के स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे और हमें वैसे ही मिलेंगे. इसका एग्जांपल आ जाएगा वो जो हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स था, प्लेटेनियम, गोल्ड, ये सब के डिपॉजिट्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में अकर करते हैं. लेकिन जो हमारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स है वो कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. कंपाउंड के फॉर्म में मतलब वो फ्री स्टेट में नहीं होंगे. हमें पहले ये जो नॉन मेटालिक जैसे ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट, ये सभी जो है ऐसे फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेंगे, मेटल एसोसिएटेड विथ अदर नॉन मेटल्स. हमें इनको रिमूव करना होगा, प्योरीफाई करना होगा और फिर मेटल एक्सट्रैक्ट करना होगा. ओके, सो द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये लोग जो है वो फ्री स्टेट में हमें मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, प्लेटेनियम. लेकिन बाकी सारे जो है वो फ्री स्टेट में नहीं होंगे, वो कंबाइंड स्टेट में होंगे. ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, ये सब के साथ एसोसिएटेड होंगे वो. उन्हें हमें प्योरीफाई करना होगा. सो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर जो उनका होगा, जो कि कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा. ओके, सो क्या है, मेटल जो हमारे टॉप में है, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है, वो मेटल जल्दी से अपने एनवायरनमेंट से रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्साइड, कार्बोनेट, ये सब फॉर्म कर देते हैं. तो ये हार्डली हमें कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, जो हमारे रिएक्टिव मेटल्स है. जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है वो कभी कभार हमें मिल जाते हैं फ्री स्टेट में. तो ये जो कंबाइंड स्टेट है वो मोस्टली एग्जिस्ट करता है ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, ये तीन फॉर्म में. ऑक्साइड मतलब अगर हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ एक मेटल ऑक्साइड बना रहा है और वैसे ओर में प्रेजेंट है, तो वो ऑक्साइड होगा. ऑक्साइड का जो रिमूवल है, मतलब एक मेटल से ऑक्सीजन को सेपरेट करना, ये कंपैरेटिवली सिंपल प्रोसेस है. अगर हम सल्फाइड और कार्बोनेट के बारे में बात करें, तो हम क्या करते हैं, हम कार्बोनेट और सल्फाइड जो है उनको कन्वर्ट कर देते हैं पहले ऑक्साइड में, और उसके बाद प्योरिफिकेशन करते हैं. ओके, सो मोस्टली ओर्स जो है मोस्ट अबंडेंटली ऑक्साइड्स के मिलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत ही कॉमन और अबंडेंट एलिमेंट है. तो नेचुरली जो हमारे मेटल्स होंगे वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे. पर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो है वो सल्फाइड और कार्बोनेट के भी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड इनरिच्ड ओर है वो तीन तरह के मेटल का हो सकता है. एक हाईली रिएक्टिव मेटल का ओर हमारे पास हो सकता है, या फिर एक ऐसा ओर हो सकता है जो मीडियम मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी से बना हुआ हो, मतलब उसमें जो मेटल होंगे वो मीडियम रिएक्टिविटी वाले एरिया के मेटल होंगे, या फिर मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी. तो इन तीनों का प्रोसेस अलग अलग होता है एक्सट्रैक्शन का. मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो होंगे इनको एक्सट्रैक्ट करना ईजी होता है. क्या करते हैं, हम इनको डायरेक्टली इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इनका, इनके मोल्टन ओर का. ओर को जो है उसको हम बहुत हाई टेम्परेचर में मेल्ट करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा. तो ये तो मेटल ऑफ हाईली एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हो गया. अभी हम मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स का एक्सट्रैक्शन देखेंगे फ्रॉम देयर ओर. तो क्या होगा, वो तीन तरह के ओर में होंगे, या तो वो होंगे ऑक्साइड, या फिर होंगे वो कार्बोनेट और सल्फाइड. तो
तो क्या होता है, हमें कार्बोनेट और सल्फाइड के जो ओर होते हैं उन्हें हमें पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। तो कार्बोनेट का ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन, और सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो बाय ये दोनों मेथड हम लोग कार्बोनेट और सल्फाइड को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक बार ऑक्साइड मिल गया हमें तो उसका रिमूवल इजी हो जाएगा। ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल करके, तो वो रिड्यूस हो जाएगा और हमें प्योर मेटल का फॉर्म दे देगा। और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सल्फाइड और उनका मिलता है या फिर वो फ्री स्टेट में रहते हैं। फ्री स्टेट में होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डायरेक्टली प्यूरिफाई, पर अगर वो सल्फाइड ओर है तो वंस अगेन हम उसको रोस्टिंग करके ऑक्साइड में लाएंगे, फिर रिड्यूस करेंगे और उसके बाद रिफाइन करेंगे या फिर प्यूरिफाई करेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट था जिसमें समराइज किया गया है ओर को या फिर मेटल को ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये प्रोसेस जो है ये बहुत लंबा चौड़ा होता है, यहाँ पे एक शॉर्ट तरीके में बताया गया है। ओके, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग हम जरा देखेंगे क्या होता है। कैल्सिनेशन हमने देखा था, कार्बोनेट ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होगा, ओर को जो हम ओर जो हमारा है हम उसको हीट करेंगे और हीटिंग जो होगी वो बिलो मेल्टिंग पॉइंट होगी ताकि ओर मेल्ट ना। ये जो हीटिंग होगी ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, या फिर अगर ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो ऑक्सीजन बहुत कम होना चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल। तो कैल्सिनेशन का ये फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा। वेरस रोस्टिंग में, रोस्टिंग जो मेथड है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन एक्सेस ऑफ एयर में, इस कंडीशन में करवाई जाती है। बस यही डिफरेंस था, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए होगा, रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए होगा। कैल्सिनेशन के केस में एब्सेंस या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, वेरस रोस्टिंग के केस में ओर को हम हीट करेंगे इन एक्सेस ऑफ एयर। तो सभी को कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन ऐसे मेटल का एक्सट्रैक्टिंग अभी हम देखेंगे जो कि नीचे होते हैं, लोअर मेंबर्स है एक्टिविटी सीरीज के। तो जो मेटल जो लोअर मेंबर्स है वो काफी अनरिएक्टिव है, वो फ्री स्टेट में रहेंगे, और अगर फ्री स्टेट में नहीं है तो ऑक्साइड या सल्फाइड के स्टेट में रहेंगे, तो उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे सिनेबार दिया हुआ है, सिनेबार एक मर्क्यूरी का ओर है। सो सिनेबर इज HgS, S मतलब सल्फाइड है। सल्फाइड को पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। एक बार हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल जाएगा तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे बाय एडिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट, और वो मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे हम लो रिएक्टिविटी मेटल्स को रिड्यूस करके ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये मोस्टली सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये हमने देखा है कि इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को निकालना इजी होता है एज कंपेयर टू अगर हम डायरेक्टली सल्फाइड से मेटल को निकाल रहे हैं। तो पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको रिड्यूस कर देंगे, और उसके बाद प्यूरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग का प्रोसेस होगा। ओके, अभी ये जो हम रिडक्शन बोल रहे हैं, मेटल ऑक्साइड को मेटल में हम रिड्यूस कर देंगे, ये रिडक्शन कौन करता है? तो जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं वो कोक होता है। हमने कोक के बारे में पहले डिस्कस किया था, कार्बन का फॉर्म रहता है ये। ओके, अभी क्या होता है, कभी कभी हम कार्बन नहीं यूज करते हैं, कार्बन के जगह रिड्यूसिंग एजेंट के जगह एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज कर लेते हैं। ओके, सो जब दो मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व करेगा वो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन होता है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में,
ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आयरन जो है, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, वो एल्यूमिनियम के नीचे आता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम उसको रिप्लेस कर देगा उसके ऑक्साइड में। तो ये एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ हीट। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन जो है वो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। थर्मिट रिएक्शन स्पेसिफिकली आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में ही होता है। सो ये नेम्ड रिएक्शन है। इसका यूज जो है वो ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, एक्सट्रैक्टिंग मेटल जो कि टॉप में है रिएक्टिविटी सीरीज के, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होता। ये फ्री स्टेट में मिलेंगे या फिर ऑक्साइड के स्टेट में मिलेंगे। यूजुअली हम क्या करते हैं, ओर लेते हैं, इनरिच्ड ओर को हम हीट करेंगे बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट। बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट हम जाएंगे तो ओर जो है वो मेल्ट हो जाएगा। इस मॉल्टन ओर को हम इलेक्ट्रोलिसिस से रिड्यूस करेंगे और हमें मेटल जो है वो मिल जाएगा कैथोड में। कैथोड जो है वो मेटल को अट्रैक्ट करेगा और एनोड जो है वो नॉन मेटल या फिर जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उनको अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में मॉल्टन ओर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे दो इलेक्ट्रोड इंसर्ट करके। ओके, सो हमने ये जो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल था उसमें बहुत सारे कोरोजन के भी टॉपिक्स डिस्कस किए। जैसे हमने देखा था कि कॉपर वेसल में कैसे ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर आ जाता है। हमने जिंक के केस में देखा था जिंक ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी एक फिल्म हमने देखा था। तो ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल है। आयरन के केस में जो कोरोजन होता है उसके लिए जो टर्म है वो रस्टिंग यूज करते हैं। रस्टिंग जो टर्म है वो स्पेसिफिकली आयरन के लिए यूज किया जाता है। और जो रस्ट फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो ये तो रस्टिंग आयरन के केस में हो गया। फिर हमने कॉपर जिंक एल्यूमिनियम इन सभी के केसेस में रस्टिंग कोरोजन डिस्कस किया था। अभी कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कोरोजन के वजह से बहुत नुकसान हो जाता है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स जो है उसको, हमारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह को। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। ये तो जो फर्स्ट मेथड है ये काफी कॉमन है, ऑयलिंग पेंटिंग ग्रीसे। जो हमारा आयरन या फिर कोई भी मेटल होता है उसको एक थिक कोट दे देते हैं हम ऑयल का, पेंट का या फिर ग्रीस का, ताकि वो जल्दी कोरोड ना हो। तो ये कॉमन एक मेथड हो गया जो कि हम डेली यूज घर में यूज कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट मेथड है एनोडाइजिंग, ये हमने डिस्कस किया था, ये स्पेसिफिक है एल्यूमिनियम के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही एक लेयर लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, सरफेस जो है हमारे वेसल का वो पूरा पहले से ही कवर हो जाएगा, तो फर्दर जो कोरोजन है वो नहीं होगा। नेक्स्ट मेथड जो है वो है गैल्वनाइजिंग का। गैल्वनाइजिंग क्या होता है, स्टील के जो हमारे वेसल होते हैं या फिर आयरन के कोई भी आर्टिफैक्ट वेसल कुछ भी है, उसमें हम क्या करेंगे, कोटिंग दे देंगे जिंक का, थिन लेयर ऑफ जिंक। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वनाइजिंग, जिसमें जिंक की कोटिंग लगाई जाती है हमारे वेसल में। तो एनोडाइजिंग हो गया, गैल्वनाइजिंग हो गया। लास्ट मेथड जो है वो है एलोइंग। एलोइंग क्या होता है, पहले एलॉय जो है वो क्या होता है, एलॉय एक मिक्सर होता है, होमोजेनस मिक्सर इसे हम कहते हैं। होमोजेनस क्यों, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मिक्सर है। तो एलॉय एक होमोजेनस मिक्सर है जिसमें एटलीस्ट एक मेटल प्रेजेंट होगा। सो इट कैन बी अ मिक्सर ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या फिर इट कैन बी अ मिक्सर ऑफ मोर देन टू मेटल। डिफरेंट मेटल्स का मिक्सर भी हो सकता है या फिर मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सर हो सकता है। तो एलॉय जो है वो यूजुअली जो उसमें कंपोनेंट इन्वॉल्व है उनसे ज्यादा उसकी लाइफ जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है एलॉय की।
फॉर एग्जाम्पल हमारा जो गोल्ड का ऑर्नामेंट होता है वो प्योर गोल्ड नहीं होता, क्योंकि जो हमारा प्योर गोल्ड है 24 कैरेट का, वो इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो हम उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। ये इम्प्योरिटी के वजह से क्या होगा, जो गोल्ड है वो हार्ड हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो गोल्ड का जो सॉफ्ट नेचर है वो एलोइंग के वजह से हार्ड हो जाता है। ओके, यहाँ पे हम बहुत सारे एलॉय के एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हमारे पास एलॉय का सैंपल है और मैं कह रही हूँ कि इसमें से एक मेटल जो है वो मर्क्यूरी है, तो उस एलॉय को हम अमेलगम कहेंगे। नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज एंड ब्रास। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज जो है वो मिक्सचर होता है कॉपर और टिन का, वेरस ब्रास जो होता है वो एलॉय है कॉपर एंड जिंक का। स्टेनलेस स्टील में बहुत सारे मेटल यूज किए जाते हैं, मोस्ट कॉमन है आयरन, क्रोमियम एंड निकल। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है वो हमें स्टेनलेस स्टील देता है। सोल्डर एलॉय जो होता है वो लेड और टिन का होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और ये इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स थे एलॉय के, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है मेटल एंड नॉन मेटल का। किसी को कोई प्रॉब्लम है ये चैप्टर में, या फिर कुछ ऐड करना है? एवरीवन, ये टॉपिक सभी को समझ में आया? ये टॉपिक जो है ये 7th स्टैंडर्ड में भी है और 9th के NCERT में भी है, तो आप ओके एनोडाइजिंग, ओके आचल आई विल रिपीट दैट पार्ट। तो आप लोग 9th और 7th ये दोनों का जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इसको कंबाइन करके पढ़ लेना। ओके, एनोडाइजिंग जो होता है उसमें ओके आंचल लिसन, एनोडाइजिंग हम स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम के लिए ही करेंगे। एल्यूमिनियम का हमारे पास कोई भी वेसल होगा, कोई भी आर्टिफैक्ट होगा, उसको कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही एक लेयर लगा देंगे। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक थिन ब्लैक कलर का लेयर फॉर्म करता है नेचुरली जब हम उसको एक्सपोज करते हैं एयर से। पर हम एनोडाइजिंग में क्या करेंगे, हम उसको क्या जो हमारा वेसल होगा उसमें हम एक थिक ऑक्साइड लेयर लगा देंगे एल्यूमिनियम का ही उसके पूरे सरफेस में। तो एक बार एक थिक ऑक्साइड लेयर लग जाएगा, ये ऐसा दिखता है। तो ये जो थिक ऑक्साइड लेयर है वो लगने के बाद फर्दर कोरोजन जो है वो नहीं होगा। तो ये प्रोसेस हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। एक एसिड के सॉल्यूशन में हम एल्यूमिनियम को डिप कर देंगे और उसमें से हम करंट पास करेंगे। एल्यूमिनियम जो है हमारा वो एज अ एनोड एक्ट करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। अब क्या होता है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फिल्म है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ब्लैक कलर का ही हो, अगर हम उसको डाई कर देंगे तो वो दूसरे कलर का भी हो जाएगा, बहुत वाइब्रेंट कलर्स के भी बन सकते हैं। तो इसीलिए इसको अच्छा अपियरेंस देने के लिए बहुत सारे कलर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये प्रोसेस एनोडाइजिंग होता है। एनोडाइजिंग किसी और मेटल के लिए नहीं होगा, सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए होता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Do you want me to repeat anything else? Okay. किसी को कोई और डाउट है या फिर कोई और पार्ट कोई चाहता है मैं रिपीट करूं? ओके आलम, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। अभी यूपीएससी के या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमें रिएक्शन नहीं पूछेंगे, हमें पूछेंगे कि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसके ऊपर आएगा कि हमें मिलेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि हमने वो समरी वाला पेज देखा, ये रहा, तो हमें बस ध्यान में रखना है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें एक आयोनिक कंपाउंड मिलेगा जो कि सॉल्ट होगा। तो ऐसे हमें देखना है, हमें जरूरी नहीं है कि हम एक एक रिएक्शन पढ़े, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी का उसमें बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हैं। सो जस्ट रिमेम्बर कि प्रोडक्ट क्या मिल रहा है उतना काफी है, और जो मैंने स्लाइड में रिएक्शन मेंशन किए उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता पढ़ना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर आलम? Okay, if you all have no doubts, so I will stop sharing now. Next time, हम एक new topic के साथ start करेंगे. Okay. Thank you, everyone.